मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक लास्ट है। हाँ ये लास्ट मंथ है आने का, और जुलाई में आप आ सकते हैं, लेकिन आपको बर्फ वगैरह ये दिखने, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ दूर दूर वैली पे बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, और अभी नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अप्रैल तक में आए। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल जनियर ज्योति। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और अभी जाएंगे हम लोग 0 पॉइंट, जांथम वैली और हॉट स्प्रिंग। तो फिर से मैं बोलूँगी कि वीडियोस को कंटिन्यू देखें, ब्लॉग कंप्लीट करें तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार तो हम लोग फिर से जा रहे हैं। पहले भी हम लोग जा चुके हैं, आप लोग पहले का मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं पहले भी गई हूँ, लेकिन इस बार जाने का फिर से बना प्लान, क्योंकि हमारा काम है वहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस बार ये है कि आपको बर्फ़ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं दिख जाए तो वो अलग है, लेकिन बर्फ़ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मौसम बारिश का है, बर्फ़ गिल पिघल के सब वाटरफॉल में आ रहा है, तो हो सकता है कि बर्फ़ ना मिले। तो देखते हैं विदाउट बर्फ़ का क्या नज़ारा है 0 पॉइंट का। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कंटिन्यू ब्लॉग को देखें। तो चलिए चलते हैं, सब लोग तैयार हो गए हैं, उन लोग भी निकलते हैं। देखिए सब लोग तैयार हो गया है निकलने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यांथम वैली आ गए हैं और देख सकते हैं अभी बर्फ नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो कितना अच्छा बर्फ चारों तरफ से था व्यू, और अभी देख रहे हैं कि पूरा कुहासा ही कुहासा है चारों तरफ, पहाड़ दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कि अगर कुहासा कम हो तो बर्फ पहाड़ पे दिखे, फिलहाल कुहासे की वजह से नहीं दिख रहा है। दिख रहा है इस बार, तो लास्ट टाइम बहुत सारा याक था यहाँ पे। तो अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे यहाँ वैली है, और सॉरी कौन सा है ये लेक, क्या है ये। तो अभी नीचे जा रहे हैं और अभी मंथ हो रहा है जुलाई, और जुलाई में ये मौसम ही मिलेगा आपको जब भी आइएगा ट्रैवल के लिए। तो अगर आप बर्फ और अच्छा चाहते हैं व्यू पॉइंट, अच्छा फोटोज में आए, अच्छा व्यू दिख गए, तो आपको मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक लास्ट है। हाँ ये लास्ट मंथ है आने का, और जुलाई में आप आ सकते हैं, लेकिन आपको बर्फ वगैरह ये दिखने, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग को बहुत ही अच्छा यहाँ दूर दूर वैली पे बर्फ ही बर्फ दिख रहा था, और अभी नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अप्रैल तक में आए। अरे
हाँ ये सब वैली है, लेकिन अभी कुहासा से सब ढका हुआ, दिख ही नहीं रहा है वैली। कुहासा हटेगा ना तो शायद बर्फ दिखेगा यहाँ पे दूर दूर से, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। साफ हुआ तो बर्फ दिखेगा। हाँ धूप होता है ना तो दिखता, इस बार याक भी नहीं है, याक पे चढ़ के फोटो खिंचवाया था लास्ट टाइम। तो हम सबसे नीचे आ गए हैं, ऊपर से एकदम नीचे आए हुए हैं पानी की ओर। फोटोज खिंचवाएंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको बेस्ट मंथ मार्च अप्रैल तक है, तो अभी आने का बस एक ही है कि आप कम पैसे में घूम लेंगे, लेकिन उस समय आपका हो सकता है कि बजट थोड़ा बढ़ जाए, होटल का, गाड़ी फेयर, हर चीज़ का फेयर बढ़ जाएगा, और इस समय हर चीज़ का फेयर कम होगा, बस इतना ही का डिफरेंस है, बाकी आपको व्यू उस समय ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये है, ऐसे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जो सिर्फ थोड़ा सा धूप होता है ना, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है, निकलेगा तो अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं है कि अभी दूर से दिखेगा बर्फ, लेकिन धूप नहीं है ना इसलिए नहीं दिख रहा है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, इसके बाद पहले यहाँ फोटो खिंचवाएंगे कुछ, उसके बाद फिर सब लोग सब जाएंगे, तब हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हॉट स्प्रिंग आए हुए हैं, और पानी यहाँ बाकी बहुत गर्म है, और जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम आए थे हॉट स्प्रिंग नहीं आए थे, लेकिन फिर भी पहाड़ पे बर्फ नीचे की ओर आया हुआ था, और अभी बर्फ काफ़ी ऊपर चला गया है, बर्फ कितना ऊपर है। और ये है हॉट स्प्रिंग, पानी बहुत ही गर्म है, और आपको शायद कैमरे में ना दिखे लेकिन गैस निकल रहा है पानी से, भाप, बहुत गर्म है पानी। अभी ड्राइवर साहब, हाँ हाँ ये जमीन से ही निकलता है ये पानी, हमको लगा था ना कि ऊपर से पानी गरम गरम गिरेगा नहाना है, लेकिन हाँ हम भी लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे, बंद था, तो हम ये सोचे थे, अभी पता चल रहा है कि भाई जमीन से निकलता है ये पानी गरम, और स्किन के लिए भी पड़े हुए हैं, और ये ड्राइवर साहब भी बता रहे कि स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है ना उसके लिए ये पानी अच्छा। इसमें भी है पानी, इधर भी है, देखो मैडम जी रमजान ये ऐसे नहाने के लिए बनाया हुआ है, अंदर में जिसको नहाना होगा यहाँ नहाने के लिए बनाया हुआ है, कपड़ा चेंज करने के लिए नहाइए अपना, यहाँ का पानी भी साफ है और बाहर से तो साफ है पानी, नीचे से कलर तो फिर पैर द्वारा इसमें अंदर से तो
फ्रेंड, अभी हम लोग 0 पॉइंट आ चुके हैं, लास्ट पॉइंट पे। और नहीं रहने तो हो जाएगा। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बोले थे कि यहाँ बर्फ नहीं मिलेगा अभी, और सेम वैसा ही अभी यहाँ बर्फ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और धुंध भी है ना, इसलिए धुंध की वजह से भी नहीं दिख रहा है। प्लस हम लोग आए तो ये नीचे नीचे पूरा बर्फ नीचे आया हुआ था, अभी पहाड़ के ऊपर तक भी बर्फ नहीं दिख रहा है। और हम लोग लास्ट अप्रैल में आए थे तो यहाँ नीचे तक बर्फ आई हुई थी। तो आप लोग जब भी आए सीजन में आए, अप्रैल तक, अप्रैल के बाद का प्लान, अगर स्नो लवर है तब, नहीं तो ऐसे तो व्यू आपको यहाँ अभी भी मिल रहा है। ऐसा पॉइंट है कि बर्फ नहीं भी है तो भी अच्छा पॉइंट है। लेकिन स्नो लवर हैं, स्नो के लिए अगर आना चाह रहे हैं तो आपको सीजन में आना होगा। अभी सारा बर्फ ये पानी बन के निकल गया है और यहाँ पे बंद है। लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ मैगी बहुत टेस्टी लगा था यहाँ का। और अभी सारा दुकान भी बंद है, कुछ खाने के लिए भी यहाँ नहीं, बंद पड़ा है। हम लोग ऑन द वे है गैंगटॉक के लिए, निकल गए हैं 0 पॉइंट से। सीधे हम लोग अपने होटल गए जहाँ रुके थे रात को, लंच किया वहाँ से, फिर 10 मिनट्स रेस्ट के बाद हम लोग निकल गए। और अभी आ भी चुके हैं, ऑन द वे हैं, और यहाँ पे रुके हुए, बारिश भी हो रही है, चाय के लिए, चाय पानी के लिए सब लोग रुके हैं। तो अब लोग यहाँ से सीधे गाड़ी खुलेगी तो गैंगटॉक में रुकेगी, गैंगटॉक में रुकेगी। तो पहुँचते हैं गैंगटॉक, फिर आपसे मिलते हैं। ये गाड़ी रुकी हुई है, सब लोग उतरे हुए हैं चाय पानी के लिए। तो अब यहाँ से सीधे गैंगटॉक जाएंगे, और आज तो नहीं निकल पाएंगे ट्रेन से क्योंकि रात हो जाएगा गैंगटॉक पहुँचने में ही, क्योंकि फिर यहाँ से हम लोग सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी से ट्रेन है। तो 2 बजे के बाद यहाँ सिलीगुड़ी से गाड़ी नहीं मिलती है स्टेशन के लिए, गैंगटॉक से सिलीगुड़ी के लिए। तो कल मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से निकलेंगे गैंगटॉक से सिलीगुड़ी के लिए, फिर सिलीगुड़ी से शाम में 8 बजे 9 बजे हमारी ट्रेन है, फिर हम लोग पटना चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं पहुंचने के बाद। तो हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए हैं, अभी जस्ट गाड़ी से सामान उतर रहा है, सब लोग उतर रहे हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं और सब अपने अपने जगह पे जाएंगे। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं और ये लोग अपना अलग अलग सब लोग जा रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को साथ में ट्रैवल करके? हमें भी बहुत मज़ा आया, हम इतना ट्रैवल किए हैं लेकिन फर्स्ट टाइम हमको इतना मज़ा आया है। ये मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा, इस बार मेरे को बहुत अच्छा लगा सीरियसली। साथ में ट्रैवल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लगा एकदम फैमिली जैसा, फैमिली जैसा एक जगह, हम 2 दिन में पूरा फैमिली जैसा हो गया। ड्राइवर भी हम लोग को बहुत अच्छा मिल गया, ड्राइवर साहब
लास्ट बार बाय बोल दीजिए। बाय बाय बाय। तो चलिए चलते अपने होटल, और ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और कल हम लोग सुबह यहाँ से निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए, और क्योंकि रात में ट्रेन होगी हमारी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।